बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सातवीं कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। दूसरी इकाई का छठा पाठ चंदा मामा की जय इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है। आज इस पाठ का स्वाध्याय पूरा करेंगे, तो आओ देखते हैं स्वाध्याय में हमें क्या क्या प्रश्न दिए हैं। देखो तो जरा सोचो चर्चा करो इस शीर्षक के अंतर्गत यदि तुम्हारा घर मंगल ग्रह पर होता तो सोचो तो क्या क्या होता। अगर तुम्हारा घर मंगल ग्रह पर होता तो हमें ये लिखना भी है। मंगल सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। यदि मेरा घर मंगल ग्रह पर होता तो इसका मतलब होता कि मंगल ग्रह पर जीवन का अस्तित्व है। ऐसे में मैं पूरे मंगल ग्रह की सैर करता। वहां मौजूद पेड़ पौधे, नदी तालाब, पशु पक्षी, जंगल पहाड़ आदि के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता। जितना संभव हो सके उतना भ्रमण कर मैं मंगल ग्रह के बारे में उपयोगी जानकारी इकट्ठा करता और अन्य ग्रह जैसे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों व अपने मित्रों के साथ वह जानकारी बांटता। इससे दो ग्रहों के निवासियों को एक दूसरे के ग्रह के बारे में अच्छी बुरी सभी जानकारी मिलती। इससे दोनों ग्रहवासियों का लाभ होता। काश मेरा घर मंगल ग्रह पर होता। वाचन जगत से इस शीर्षक के अंतर्गत भारतीय मूल की किसी महिला अंतरिक्ष यात्री संबंधी जानकारी पढ़ो तथा विश्व के अंतरिक्ष यात्रियों के नाम बताओ। इस स्वाध्याय में हम आज कल्पना चावला इस अंतरिक्ष यात्री की जानकारी लेंगे। कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। उनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में हुआ था। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई टागोर बाल निकेतन में हुई। उन्होंने वैमानिक अभियांत्रिकी में विज्ञान निष्णात की उपाधि टेक्सास विश्वविद्यालय अलीगर्टन से प्राप्त की। 1988 के अंत में उन्होंने नासा एम्स अनुसंधान केंद्र के लिए काम करना शुरू किया। 1995 में वे नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हो गई। 1998 में उन्हें पहली अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा उनकी आखिरी यात्रा साबित हुई। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही ध्वस्त हो गया और उसमें मौजूद सभी अंतरिक्ष यात्री सितारों की दुनिया में खो गए। तो आज हम कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के नाम भी बताते हैं। ये देखो, ये है कुछ अंतरिक्ष यात्री: राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, ये सब भारतीय अंतरिक्ष यात्री। स्कॉट केली, यूरी गागरिन, जॉन ग्लेन, ली यांग, नील आर्मस्ट्रांग, बारबरा मोर्गन, एनाली फिशर, पामेला मेलोरी, जुडिथ रेसनिक, ये सारी दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्री हैं। खोज
कुछ भी इस शीर्षक के अंतर्गत इस वर्ष का सूर्य ग्रहण कब है, उस समय पशु पक्षी के बर्तन परिवर्तन का निरीक्षण करो और बताओ। तो आओ पहले सूर्य ग्रहण की कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। ये है सूर्य ग्रहण की तस्वीरें, तो आओ इसके बारे में जानकारी भी लिखते हैं और पशु पक्षियों में क्या परिवर्तन होता है यह भी लिखते हैं। सूर्य ग्रहण 21 जून और 14 दिसंबर 2020 को हुआ था। सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में अचानक ही सारा जगत अंधकारमय हो जाता है। इस अचानक हुए अंधकार के कारण पशु पक्षी कुछ समझ नहीं पाते हैं। वे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं। पूरे जंगल में घबराहट की वजह से कोलाहल मच जाता है। सभी पशु पक्षी भय के कारण अपने घरों और घोंसलों में लौटने लगते हैं। तो आगे जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो आप भी इसका निरीक्षण जरूर करना है। आओ सूर्य ग्रहण क्यों होते हैं, उनके प्रकार क्या हैं देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और खंडग्रास सूर्य ग्रहण, ये तीन प्रकार सूर्य ग्रहण के हैं। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी जब एक सीधी लाइन में होते हैं और चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तीनों एक सीधी लाइन में है लेकिन चंद्रमा पृथ्वी से दूर है तो वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखता है। सिर्फ सूर्य और चंद्र एक लाइन में है और पृथ्वी अलग है तो उस वक्त खंडग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। देखो तो मैंने समझा, क्या समझा है आपने इस पाठ को पढ़कर। चंदा मामा की जय। यह पाठ पढ़कर हमने क्या सीखा है वो कुछ शब्दों में लिखते हैं। हमें हमेशा अपनों से बड़ों की बात माननी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। बुरी आदतें हमेशा हमारा नुकसान ही करती है, इसलिए बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। दूसरों के अच्छे गुण हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। अगर कभी किसी से कोई गलती होती है तो उसे बड़ा दिल रखकर माफ कर देना चाहिए। सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। यही सीख हमें इस पाठ द्वारा मिलती है। आगे का स्वाध्याय है स्वयं अध्ययन। इस शीर्षक के अंतर्गत सौर मंडल की जानकारी पर लघु टिप्पणी तैयार करो और बताओ। यह टिप्पणी तैयार करते समय ग्रहों का क्रम, उपग्रहों की संख्या, पृथ्वी का परिक्रमा काल, इन बातों को ध्यान में रखकर टिप्पणी करनी है। तो आओ टिप्पणी लिखते हैं। ग्रहों का क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जिन्हें अरुण वरुण भी कहा जाता है, प्लूटो। उपग्रहों की संख्या 166। पृथ्वी का परिक्रमा काल: सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी अपनी कक्षा में 365 बार घूमती है। इस प्रकार पृथ्वी का एक वर्ष लगभग 365 दिन लंबा होता है। तो आओ जो ग्रहों के नाम हमने अभी बताए हैं उन्हें चित्र में देख ही लेते हैं। देखो तो ये है सौर मंडल के ग्रह। सूर्य से सबसे नजदीक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो, ये सारे ग्रह हमने देख लिए हैं। शब्द वाटिका इस शीर्षक के अंतर्गत इस पाठ में आए नए शब्द और मुहावरे, इनके अर्थ जान लेते हैं। नए शब्द देखते हैं। आयु, इसका मतलब है उम्र। सेविका,
सेवा करने वाली, चोंगा लंबी और ढीली ढाली पोशाक, उनिंदे यानि निद्रालु, अपराध इसका मतलब है दोष या गुनाह, दंड इसका मतलब है सजा, सफाई देना, अपने बचाव में कुछ कहना, मजाक हंसी या ठट्ठा करना, कड़ी यानि कठोर, शैतानी यानि शरारत। तो इस पाठ में जो मुहावरे आए हैं आइए देखते हैं। गला फाड़ कर रोना, जोर जोर से रोना, इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। नींद से उठने के बाद माँ को सामने ना पाने से शिशु गला फाड़ कर रोने लगा। सफाई देना, अपने बचाव में कुछ कहना, न्याय करते वक्त अपराधी को भी सफाई देने का मौका दिया जाता है, क्षमा करना माफ करना। माँ हमेशा बड़े दिल से हमारी गलती होने पर भी हमें क्षमा कर देती है। आगे का स्वाध्याय मेरी कलम से इस शीर्षक के अंतर्गत किसी दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाला संवाद लिखो और सुनाओ। एक उदाहरण के तौर पर विषय दिया है माँ और सब्जी वाली। तो आइए इसी विषय से हम एक संवाद पढ़ते हैं। सब्जी वाला और माँ, इनके बीच जो संवाद हुआ है देखो। तो सब्जी वाला कहता है, सब्जी वाला सब्जी ले लो, मीठे और रसीले टमाटर ले लो, तोरई बैंगन आलू गोभी ले लो। माँ कहती है, सुनो सब्जी वाले जरा इधर तो आना। सब्जी वाला कहता है, जी मां जी अभी आया। सब्जी वाला कहता है, बोलिए मां जी क्या चाहिए आपको। माँ कहती है, पहले देखने तो दे क्या लाया है आज। सब्जी वाला कहता है, अरे मां जी सब्जियां देखकर तो आप खुश हो जाएगी, बड़ी ताजी सब्जियां है। माँ कहती है, हाँ सब्जी तो तेरी अच्छी रहती है पर दाम बहुत अधिक रहता है। सब्जी वाला कहता है, अब क्या करे मां जी महंगाई भी तो बढ़ रही है, बोलिए आपको क्या दूं। माँ कहती है, हाँ महंगाई तो बढ़ गई है, अच्छा सुनो मुझे 1 किलो टमाटर, आधा किलो मटर, गोभी और भिंडी दे देना। सब्जी वाला कहता है, अभी लीजिए मां जी। माँ कहती है, ठीक से तोलना। सब्जी वाला बोलता है, क्या बात कर रही है मां जी, धंधे के साथ बेईमानी मेरा उसूल नहीं है, लीजिए आपकी सब्जी। माँ कहती है, अच्छा ये लो तुम्हारे पैसे। सब्जी वाला कहता है, सब्जी वाला सब्जी ले लो, मीठे और रसीले टमाटर ले लो, तोरई बैंगन आलू गोभी ले लो। बच्चों इसी तरह आपने भी कोई अलग सा संवाद लिखना है। मैंने यह उदाहरण के तौर पर आपको बताया है, लेकिन आप आपके मन से जो आप सुनते हैं बाजार में वही संवाद लिख लेना। आओ आगे का स्वाध्याय देखते हैं। विचार मंथन इस शीर्षक के अंतर्गत बीन मांगे मोती मिले यह सुवचन हमें दिया है। इस सुवचन का हमें विस्तार करना है, इसके बारे में जानकारी देनी है। तो आओ देखते हैं। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती है, उनकी पूर्ति के लिए वह जी तोड़कर प्रयास भी करता है। गोताखोर समुद्र में लगातार डुबकियां लगाता है, लेकिन हर सीप में मोती नहीं होते हैं। कभी कभी मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे व्यक्ति को अनपेक्षित लाभ मिलते हैं। इसे सिर्फ संयोग ही कहा जा सकता है। बीन मांगे मोती मिले इस पंक्ति का अर्थ भी यहाँ इसी संयोग से है। इस पंक्ति के अनुसार जीवन में कुछ ऐसे भी संयोग आते हैं जब बीन मांगे थोड़े प्रयासों के बावजूद
मोती अर्थात अपेक्षा से अधिक लाभ मिल जाता है। कोई मजदूर दिन भर मेहनत करके मुश्किल से दो वक्त की रोटी कमा पाता है और कभी कभी किसी को खेतों में हल जोतते वक्त अचानक से गड़ा धन मिलने से वो मालामाल हो जाता है। इसे ही कहते हैं बिन मांगे मोती मिल जाना। सदैव ध्यान में रखो, इस शीर्षक के अंतर्गत निवेदन सदैव विनम्र शब्दों में ही करना चाहिए। सच है, विनम्रता का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। विनम्रता न केवल आपके व्यक्तित्व में निखार लाती है बल्कि कई बार सफलता का कारण भी बनती है। कोमलता सदा जीवित रहती है जबकि कठोरता का जल्द ही विनाश हो जाता है। विनम्रता के अभाव में लोग घर या कार्यालय में सदैव परेशानी का शिकार होते हैं। विनम्रता के प्रति समर्पित आस्था भी जरूरी है। मात्र दिखावे की विनम्रता असफल ही होती है। पहले विनम्रता से निवेदन करूंगा, यदि काम न हुआ तो दो चार लगा दूंगा, यह चतुरता विनम्रता का प्रति अनास्था है। इसमें छिपा हुआ अहंकार भी है। कार्य करने से पहले ही अविश्वास व अहंकार का मिश्रण आपको असफलता की ओर ले जाता है। इसलिए विनम्रता पूरे दिल से होनी चाहिए। आगे का प्रश्न है, प्रश्न पहला, किसने किससे और क्यों कहा है? पहला वाक्य, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। यह वाक्य रात रानी ने सुनील से कहा क्योंकि वह बड़ों का मजाक उड़ाता है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। यह वाक्य सब बच्चों ने रात रानी से कहा क्योंकि रात रानी उन्हें माफ कर देंगी। सबको क्षमा किया जाता है। यह वाक्य रात रानी ने सब बच्चों से और चंदा मामा से कहा क्योंकि चंदा मामा ने रात रानी को समझाया था। इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। यह वाक्य रात रानी ने सुनील से कहा क्योंकि उसने चाय की कप प्लेटें तोड़ी थी। रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। यह वाक्य अनिल ने रात रानी से कहा क्योंकि रात रानी ने उसे पूछा कि वह ज्यादा क्यों रोता है। एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम हो तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। यह वाक्य चंदा मामा ने रात रानी से कहा क्योंकि चंदा मामा को लगा कि बच्चों पर अन्याय हो रहा है। प्रश्न दूसरा, इस एकांकिका सारांश अपने शब्दों में लिखो। तो आओ लिखते हैं इस कहानी का या एकांकिका का सारांश। इस कहानी में न्यायाधीश रात रानी के सामने नीम परी कुछ बच्चों को उपस्थित करती है। बच्चों पर मुकदमा चलाया जाता है। बच्चों पर आरोप लगाए जाते हैं। बच्चे बात बात पर रोते हैं, शैतानियां करते हैं और अपने माँ का कहा नहीं मानते हैं। मुकदमा सुनने के बाद जब रात रानी सुनील नामक बच्चे को सजा देने की बात करती है तो सभी बच्चे रोने लगते हैं। उसी समय चंदा मामा वहां आते हैं और बच्चों की अच्छाइयों को भी सबके सामने लाते हैं। चंदा मामा की बात सुनकर रात रानी सभी बच्चों से बुरी आदतें छोड़ने की प्रतिज्ञा लेकर उन बच्चों को माफ कर देती है। तीसरा प्रश्न है, इस एकांकी के पसंदीदा पात्र का वर्णन करो। तो बच्चों, इस एकांकी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा?
बिल्कुल बराबर, सही बताया, चंदा मामा यह पात्र मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आइए उसका वर्णन लिखते हैं। इस एकांकी में मेरा सबसे पसंदीदा पात्र चंदा मामा है, जिनके आने पर सब बच्चे खड़े होकर खुशी से तालियां बजाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। वे बहुत दयालु और समझदार हैं, उन्हें बच्चे बहुत प्रिय हैं। चंदा मामा रात रानी से बच्चों को सजा न देने के लिए कहते हैं। वे रात रानी से कहते हैं कि उन्हें सिर्फ इन बच्चों की बुराई के बारे में बताया गया है, अच्छाई के बारे में नहीं। वे बच्चों के अच्छे गुण रात रानी को बताते हैं। चंदा मामा की बात रात रानी समझ जाती है और बच्चों को क्षमा कर देती है। चंदा मामा के कारण बच्चों की सजा माफ हो जाती है, इसलिए सभी बच्चे उनकी जय जयकार करते हैं। चौथा प्रश्न है, नैतिक मूल्यों की सूची बनाओ और उन पर अमल करो। तो आओ पहले सूची बनाते हैं। नैतिक मूल्यों की सूची, शांति से कार्य करना, बड़ों की आज्ञा मानना व उनका आदर करना, छोटों से प्यार करना, बुरी आदतों को त्यागना, सदा सत्य ही बोलना, ईमानदार रहना, किसी भी व्यक्ति की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना। इस तरह के नैतिक मूल्यों का आचरण कर हम एक सक्षम, स्वस्थ और सबल विश्व की रचना कर सकते हैं। आप इनमें और भी नैतिक मूल्य जोड़ सकते हैं बच्चों, और उन पर अमल करना भी सीखो। अगला स्वाध्याय है भाषा की ओर। इस शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और मोटे और गोल में छपे शब्दों पर ध्यान दो। तो आइए देखते हैं। देखो यहाँ मटके पर कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हीं शब्दों का इन वाक्यों में उपयोग किया है। और ये जो शब्द है मोटे टाइप में लिखा है, आइए वाक्य पढ़ते हैं। सर्वेश ने परिश्रम किया और इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। मैं कर्ज में डूबा था परंतु मुझे संतोष न था। तीसरा वाक्य, प्रगति पत्र पर माताजी अथवा पिताजी के हस्ताक्षर लेके आओ। चौथा वाक्य है, मैं लगातार चलता तो मंजिल पा लेता। पांचवा वाक्य है, मुझे 100-100 के नोट देने पड़े क्योंकि दुकानदार के पास 2,000 के नोट के चुट्टे नहीं थे। तो ये जो मोटे शब्द जो है इन्हें क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में और, परंतु, अथवा, तो, क्योंकि यह जो शब्द है अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं। ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्ययों के बारे में हम और भी विस्तार से जानकारी लेते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है, जैसे और, व, तो, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, कि, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि शब्द। तो आइए इसके कुछ उदाहरण भी देखते हैं। आयुष ने कड़ी मेहनत की ताकि परीक्षा में सफल हो सके। उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं। सीता ने बहुत मेहनत की
फिर भी सफल नहीं हुई तो यहाँ लाल अक्षरों में जो शब्द है उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। यह बात आप ध्यान में रखना। विस्मयादि बोधक अव्यय। देखो तो हमें यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं। इन वाक्य के गोल में जो शब्द है उन्हें जरा ध्यान से देखना। आओ पहले हम यह वाक्य पढ़ लेते हैं। पहला वाक्य, वाह क्या रंग बिरंगी छटा है। दूसरा वाक्य, अरे हम कहाँ आ गए। तीसरा वाक्य, अरे रे पेड़ गिर पड़ा। चौथा वाक्य, छी तुम झूठ बोलते हो। पांचवा वाक्य, शाबाश इसी तरह साफ सुथरा आया करो। तो आइए इन शब्दों को क्या कहते हैं समझ लेते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में वाह अरे अरे रे छी शाबाश ये शब्द क्रमशः खुशी आश्चर्य दुख घृणा प्रशंसा के भाव दिखाते हैं। ये शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में हम और भी जानकारी लेते हैं। आओ तो विस्मयादि बोधक अव्यय ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य हर्ष शोक घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हो वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे ओहो शाबाश काश आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो आइए इन शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। अरे तुम कब आए। दूसरा वाक्य, शाबाश तुमने यह कर दिखाया। हाय अब मेरा क्या होगा। अच्छा फिर ठीक है, काश मेरे पास गाड़ी होती। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक, सुनील की माँ ने उसे क्यों पीटा था। दो, रोने के बाद सुनील को क्या मिलता था। तीन, चंदा मामा ने किसे क्षमा करनी चाहिए ऐसा कहा था। चार, बच्चों ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी। प्रश्न दूसरा, चंदा मामा की जय इस पाठ को अपनी कक्षा में नाटिका के रूप में प्रस्तुत करो। तो बच्चों आज हमने चंदा मामा की जय इस पाठ के स्वाध्याय को पूरा किया है। अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ हम सब मिलेंगे। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा विषय घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है, इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ अगली बार सातवीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए
हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो जरूर इसे लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।